अच्छा लग रहा है ना जुल्फी को यहाँ देखकर इतने दिनों के बाद। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि गजाला भी आई हुई है। गजाला इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। वालेकुम सलाम। कम माय चाइल्ड, बैठो। क्या हाल है आप सबका? ठीक। सबको इकट्ठा देके कुछ पिकनिक का मूड हो रहा है बाबा साहब। That is a wonderful idea. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि सब लोग इकट्ठे होंगे तो कोई पिकनिक या आउटिंग की जाए। I like it. मौसम अच्छा है। Let's go to Mari. Mari चलते। जुगनू, हम रहने दे। अब वो तेरा फोन नहीं उठाएगा। उसका और तेरा साथ इतना ही था। अरे इतना था या कितना था? अभी उसका फैसला नहीं है करने का। तू और मैं बदनसीब हैं। ये हमें मान लेना चाहिए। अरे आपा शाहजहां हम ही तो है। शोहर के इंतकाल के बाद ये महल जैसा घर मिला, काबिल औलाद मिली, बेटियां अपने घरों में खुशबाश। जबरदस्त, वाकई मौसम अच्छा है। क्यों गजाला? जैसा आप सबका प्लान। Let me fix this phone for you. I'll have it checked. Don't worry. जाने दो अम्मा, इंसान नसीब खुद बनाता है। दो बार नसीब बना के देख लिया ना? अरे दोनों बार उजड़ के आ गई घर। हाँ अब नसीब से समझौता कर ले। अरे ऐसा क्या गजब हो गया है जो मैं नसीब से समझौता कर लूं? बाबा साहब सुल्फी को सिर्फ अपने साथ लेके गए हैं बस। बैठ इधर देख। अरे नहीं मानेगी ना तो मुंह की खाएगी मुंह की। हिंदी को भी नजर आ रहा है साफ कि वो वहां जाके तुझे तलाक भेज देगा। इनफैक्ट मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। आप लोग बातें करें। आई हैव टू डिस्कस। लेट्स गो। एक्सक्यूज मी। अरे पता है क्या, मुझे भी कुछ काम है। मैं अभी आती हूँ, तुम दोनों आपस में बात करो। तो आपकी स्टडीज कैसे आ रही है? ठीक आ रही है। मैं भी पढ़ रही हूँ अभी। क्या? फिलहाल तो आपका चेहरा। अम्मा तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? चलो पैसे होते तो मैं यहां होती। कंगली हेलो, फिर एक झूठ बोल रही हूँ? अरे झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ खाला जहांगीर, अल्लाह पाक की कसम। ये देखें, ये मुझे पैसे भिजवाए हैं, चोरी करके थोड़ी ना लेके आई हूँ, और जुल्फी ने खुद बुलवाया मुझे। भाई इतने सारे पैसे? हाँ, और इसमें से ये 10,000 तुम रख लो अम्मा के लिए, और अब बाकी भिजवाती रहूंगी मैं। हेलो, आज तुम पैसे देने वाली बन गई। अरे भाई जैसे वो कल मेरी बहन थी आज भी मेरी बहन है, सर आंखों पे रहो। और तुम शौक से ससुराल जाओ, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आती जाती रहना। हाँ खाला जहांगीर, लेकिन तुम पीछे से अम्मा का ख्याल रखना है, मैं और जुल्फी जल्दी चक्कर लगाएंगे। हाँ हाँ 100 बार आना,
लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हाथी के मुंह से गन्ना छीनना आसान नहीं है। देखो खाला जांगी, तुम फिर से गलत सोच रही हो। अरे भाई, नाराजगी हो गई थी, अब देखिए ना, उसने अपने अब्बा से पूछे बिना मुझसे शादी कर ली। लेकिन फिर जब उसने बैठ के बाबा साहब को समझाया तो वो मान गए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है, तुम फिकर मत करो, इतना सोचा मत करो, ये उम्र नहीं है तुम्हारा इतना सोचने की। अल्लाह जाने चक्की पिसवाएगा कि कोठरी में बंद करके रखेगा इसे। दो दिनों तक वापसी बाबा साहब? नो माय बॉय, मैं, गजाला, आयशा कुछ दिन वहीं रहेंगे, तुम दो दिन बाद वापस आ जाओ। क्यों बाबा साहब, क्या हुआ? बॉय यू मे नॉट नो दिस, लेकिन जुल्फी ने एक नौकरानी की बेटी से शादी कर ली। व्हाट, आर यू सीरियस? चाहता हूँ कि गजाला और आयशा के साथ उसका जहन बटा रहे और फिर उसे बहला कर कुछ अरसे में उस लड़की से तलाक दिलवा दी जाए। बहलाना कैसा बाबा साहब, आप उसको हुक्म दे, ये कोई हरकतें करने वाली? नो माय बॉय, सख्ती से मामला और बिगड़ जाएगा, ना समझे। बच्चे को अगर एक दूसरा खिलौना दे दिया जाए तो वो पुराना खिलौना आसानी से छोड़ देगा। उस लड़की का क्या किया बाबा साहब? उसे बख्शी जी के हवाले कर दिया है, वो जो चीज चाहे करे उसके साथ। मैं तो जी इनके कराची वाले घर में खाना पकाने की मुलाजमत पे हूँ, अब जुल्फी साहब से मिलना है मुझे। फिजाब तो चले गए मरी। मरी? तो किसी और से मिलवा दे। देखिए मेरा शोहर बहुत बीमार है, उसका इलाज करवाना है, मेरे पास और कोई इमदाद नहीं है भाई। बीमारी क्या है? बहुत ही बुरी बीमारी है भैया, जहनी मरीज है, चीजें भूल जाता है, मदद कर दो मेरी। जी बीमारी है, लेकिन सबके सब मरी चले गए। सबके सब? अब तो वहां का कोई पता दे दो, मैं भला कैसे जाऊंगी वहां। मरी की बस पकड़े, माल रोड पे उतरे और किसी से भी पूछ ले। जी अच्छा, शाबाश, निकलो निकलो। सुनो काले पठान भैया, तू निकल, तेरे बाप का घर नहीं है, मेरा घर है ये, तू निकल यहाँ से। रुक जाओ। पता है मैं क्या सोच रही थी? तुम दोनों किस कदर लकी हो। आई मीन थिंक अबाउट इट, हमारी फैमिली का जो बैकग्राउंड है, जनरेशंस तक लोगों की अपनी स्पाउस से मुलाकात नहीं होती थी शादी के दिन तक, और आप दोनों मंगनी के फौरन बाद सबकी रजा से ट्रिप पे जा रहे हैं। जुल्फी कहाँ हो मेंटली? यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है। आई गेट इट, आप दोनों को प्राइवेसी चाहिए है ना, और मैं बीच में कबाब की हड्डी बन के बैठी हुई हूँ। एब्सोल्युटली नॉट भाभी, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहा था। यूनिवर्सिटी? पूरी यूनिवर्स तुम्हारे पास है इस वक्त? यूनिवर्स का तो पता नहीं, यूरोप तो है कम से कम। चलो, आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत मजा आएगा। आएगा, मजा तो बहुत आएगा।
अरे बीबी जी, बीबी जी, गाड़ी चाहिए आपको? हाँ चाहिए तो है। कहाँ जाना आपने? जाना किधर तो मुझे भी नहीं पता। कोई मसला नहीं, नूर जहाँ बादशाह इज हेयर यू शुड हैव फेयर। क्या नाम है तुम्हारा? नूर जहाँ बादशाह जी। ये कैसा नाम हो भाई? नाम तो जहाँ बादशाह लोगों के मुंह पे आ नहीं रहा था, उन्होंने नूर जहाँ कर दिया है, नूर जहाँ बादशाह हो गया। अरे ये अजीब सा नाम है, गाड़ी सही चलाते हो कि नहीं? ओ आप बैठे तो सही, आपको पूरे मरी में ऐसा होलसम और सोफिस्टिकेटेड लेडी वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। तेरी अंग्रेजी तो मेरी से भी टूटी फूटी है, हैंडसम और सोफिस्टिकेटेड। अरे वही ना मैं बता रहा हूँ, ऐसा वेल मेडिकेटेड जिसकी शक्ल शाहरुख खान से असेंबल होती है कहीं नहीं मिलेगा। ये तो मैं किसने कह दिया? बचपन में मेरी माँ शाहरुख की फिल्में बहुत देखा करती है। यार मुझे ना टेंशन ना दो, पहले मैं बहुत दुखी हूँ, चुप करके बस गाड़ी चलाओ। आपको क्या पता गम क्या होता है, कभी हमसे पूछे। कैसी लगी एक्टिंग? चौंक गई ना, पता था मुझे, बस इसीलिए मैं मरी आया था कि हमें कोई रोल दे, लेकिन बदकिस्मती ये है डायरेक्टर साहब जहाँ उनको हॉट चिप्स मिली वहाँ उन्हें अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते। अच्छा मेरी बात सुनो जी, नूर जहाँ एक मिनट रोको, तुम अपनी गाड़ी चलाओ मैं दूसरी सवारी पकड़ लूँ। अरे बीबी जी मैं तो कंसिडरेशन कर रहा था, अरे आते हुए तो थकी हुई थी, इतनी जान कहाँ से आ गई, और मैं मजाक कर रहा था बीबी जी। अरे नूर जहाँ और निकल गई हाथ से, ओए अपना मुंह बांध ही रख, ये तेरे पिंक लिप्स के लिए ठीक नहीं है। और बीबी जी मैं मजाक कर रहा था, सॉरी, अब कहाँ से मिलेगा सवारी, अरे बेड़ा तर जो तेरा। बड़े खामोश है जुल्फी, खैरियत तो है? अब वो हम सबके सामने क्या बोलेगा? अब ऐसी भी बात नहीं, बचपन से हमारे सामने ही बोलता आ रहा है। उफ उफ, अब तो बिल्कुल बड़े भाइयों वाली बात की है आपने। पता है गजाला, इन दोनों के बीच में भाइयों से ज्यादा दोस्तों का रिश्ता है। गजाला को सब पता है, वो देखती आई है सब। हाँ ये बात तो है, फैमिली में शादी करने का एक ही नुकसान है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होती, सब आदतें बातें पहले ही पता होती है। लेकिन तनवीर भाई ये तो एक प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली, और इससे एडजस्टमेंट में बहुत आसानी होती है। Okay, done. Tony, my boy. I'm sorry, spoiling your party, लेकिन तुम्हें एक हफ्ते के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। मैं चला जाऊं? तुम यहीं रहोगे। खैरियत है बाबू साहब? हाँ खैरियत है, वो कुछ लोग शुगर मिल के सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं, कमी नहीं। कराची गया होगा, और कहां जा सकता है? अभी कॉल लगाओ बख्शी जी को, फाइंड आउट। वो वहां क्यों गया होगा? वो वहां मौसम बहुत अच्छा है, मैं अभी कॉफी बना के आती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
जुगनू जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जुगनू, कीड़ा कीड़ा लाइट वाला कीड़ा जुगनू, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। नहीं जुल्फी, जुगनू, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे यार। मैं तो तुमसे अब भी मोहब्बत करता हूँ यार। तो फिर जिनसे मोहब्बत करते उन्हें इस तरह छोड़ के चले जाते? कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो भाग जाते हैं, हमें कोई देखने ले। भाग जा जुल्फी, चलो। अरे बस थोड़ा सा और भाग ले जुल्फी। अरे जुल्फी, हाँ चलो। क्या हो गया? चलो चलो चलो। क्या खाती हो? साइज देखो, स्पीड देखो। चलो 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 बस। तुम आई कैसे यहाँ? इसे छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे वहाँ अकेला क्यों छोड़ के चले गए थे? यार बाबा साहब बहुत गुस्से में थे। तुम्हारे सामने बाबा साहब ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। अगर मैं वहाँ भूखी प्यासी मर जाती तो? नहीं, मैंने मैसेज कर दिया था बख्शी जी को, मुझे पता था वो खोल देंगे तुम्हें। बख्शी बुड्ढे की तो बात मत करो, उसको तो मैं पूछ लूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि बाबा साहब के सामने तुम्हारा इश्क कहाँ गुम हो जाता है यार? तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारा प्यार हूँ, जुनून हूँ, इश्क हूँ, पता क्या क्या। आई एम सॉरी जुगनू, बट नहीं होती हिम्मत बाबा साहब के सामने, बिल्कुल नहीं बोल पाता। अच्छा ठीक है, ना बोलो, चुप रहो, मेरे साथ चलोगे? कहाँ? जहन्नुम। वहीं से तो आ रहा हूँ, कहीं और ले जाओ प्लीज। अच्छा जुल्फी, ये बताओगे तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? 20,000 तक होंगे आई गेस। क्यों? 20,000 तो कम पड़ेंगे यार। बाबा साहब कहाँ हैं? बाबा साहब तो भाई यहीं के यहाँ के बीच निकले हैं। गुड, वो पैसे कहाँ पे रखते हैं? मुझे क्या पता कहाँ रखते हैं यार। कोई घर में ऐसी कीमती चीज है, कोई ज्वेलरी या कोई घड़ी वगैरह? I don't know. गजाला के कड़े हैं। गजाला कौन है? वो आयशा बीबी की बहन। खूबसूरत है क्या? तुमसे ज्यादा नहीं। अमीर है? हाँ, हमारे जैसी। तो बस ठीक है, उसके कड़े ले आओ फिर। क्या? क्या? हाँ, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यार। मैं गजाला के कड़े चुराऊं? करना पड़ेगा। चलो। चुकनू? हाँ ना जुल्फी, चलो जल्दी से जाओ, इतना सोचो मत। क्रिमिनल बना के छोड़ोगी मुझे? जाओ ना। अच्छा जा रहा हूँ। अच्छा टाइम से आ जाना, शाम की बस की टिकट करा ली मैंने। अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम। जल्दी जाओ, कड़े लेके आओ। हाँ जा रहा हूँ, चोरनी कहीं की। तू चोर? तू चोरनी? कहा क्या वो? कौन कहा क्या? लाइट वाला कीड़ा? ओ लाइट वाला कीड़ा, वो नहीं मिला, लाइट दे दी थी। ओ ये कड़े आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपकी अम्मी की निशानी है। रियली? मैंने तो अम्मी की निशानी कभी नहीं देखी है। अच्छा, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वाकई बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इस रिश्ते की तरह। हाँ, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं इनको जरा करीब से देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं मतलब उतार के। हाँ क्यों नहीं। और अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं थोड़ी देर माँ की निशानी के साथ तन्हा रह सकता हूँ? जरूर। माँ की निशानी।
दिखने में तो इतने महंगे नहीं लग रहे थे। अरे कोई नहीं, इस मनहूस से पैसे कम दिए, मुझे अल्लाह करे इसकी दुकान पे डाका पड़ जाए। कैसे बोल रही हो जुगनू? हाँ तो और क्या, अच्छे खासे खालिस कड़े थे। खैर छोड़ो, चलो मेरे साथ। अब कहाँ? हवेली। वहाँ क्यों? पैसे लेने। ये पैसे काफी नहीं है? अरे वहाँ पे कोई मुंशी चुंशी टाइप बंदा होगा ना, जिसको हिसाब किताब पता होगा, उससे पैसे पकड़ लेंगे। चलो आ जाओ। तुम्हें गजाला ने खुद बताया? जी मैंने उसके खाली हाथ देखे तो पूछा, तो उसने कहा जुल्फी ले लिए। किधर गया वो इडियट? कराची गया होगा, और कहां जा सकता है? अभी कॉल लगाओ बख्शी जी को, फाइंड आउट। वो वहां क्यों गया होगा? वो वहां क्यों हो सकता है, चला गया हो अपनी मर्जी का मालिक। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उसने कड़े लिए क्यों। तनवीर, उसने ये रिश्ता अपनी मर्जी से किया है, वो राजी था ना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तुम ऐसे करो, जाके देखो डिनर में क्या पका है, हम अभी आते हैं। आ जाओ अंदर, वो गरम मसाला ज्यादा ना डाल दे, देखना। और स्वेटर पहन के आया करो, इतनी सर्दी में ठंड लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा तुम्हें। आयशा को कुछ नहीं मालूम होना चाहिए अभी। बख्शी जी को फोन करो, मालूम करो उस चुड़ैल के बारे में, ब्लडी गोल्ड डिगर। बाबू साहब, मुझे तो लगता है ये सारी बख्शी जी की मिली भगत है, हमें खुद जाना चाहिए। मुझे भी यही शक हो रहा है। तुम्हें तो लाहौर जाना है, मैं खुद ही जाता हूँ। ठीक है, मैं लाहौर जाता हूँ, आप वहां जाइए और आयशा को मैं समझा लूँ। हाँ समझाओ जाने। यस डार्लिंग। नहीं नहीं वो मैं एक मीटिंग में था। मैम हो जाएगा हो जाएगा, मैं कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। औरत को समझना वाकई नामुमकिन है, फसाद की जड़। क्या जरूरत है बस? वेरी गुड, अब इनको बैग में रखते और जल्दी से चलते। जल्दी की क्या जरूरत है, अब हम आ गए आराम से, यहाँ पे रात गुजारेंगे, कल सुबह उठ के जाएंगे, मैं बहुत थका हूँ। जुल्फी सुस्ती छोड़ो यार, बाबा साहब आ गए ना तो वाकई हमें जहन्नुम में भेज देंगे। पता तो उनको चलेगा ही, जब पता चलेगा ना तब तक हम कराची पहुंचे हुए होंगे, है ना? मैं ये कैसे मान लूं कि सारे ड्रामे में आप शामिल नहीं थे, आपको नहीं पता? कसम ले बड़े मालिक, आपके इस खादिम का कोई कसूर नहीं, बस गलती इतनी है कि ये सब जब हुआ मैं वहां मौजूद था, बताना चाह रहा था आपको, मगर छोटे साहब ने आपकी कसम दी थी जान की। और वो लड़की ब्लडी गोल्ड डिगर, वो कहाँ है? लड़की कहाँ है बड़े साहब, वो चुड़ैल है, चुड़ैल कलमोई, छोड़ा है उसे उसकी माँ के घर में। ये आपने अच्छा किया आशीष जी। That's good, good job. शुक्रिया भाई साहब। इन जुल्फी कहाँ गया? फोन करते हैं छोटे साहब को। आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं, जो लोग घर से भागते हैं वो घर वालों का फोन नहीं उठाते। सोहाने दुरुस्त कहा बड़े साहब आपने, सोहाने। तो फिर वो गया कहाँ? Where is he? हवेली फोन करते हैं बड़े मालिक, छोटे साहब वहीं होंगे शायद। बख्शी साहब आप कभी कभी पते की बात कर देते हैं। There is a brain in there after all. आपके जेरे साया मालिक। फिर हम कराची चले जाएंगे, फिर वो वहां आ जाएंगे, जब वो वहां आ जाएंगे तो हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे, और हम क्या सीसो खेल रहे हैं? जो हम खेल रहे हैं वो तुम्हें बाद में बताऊंगी। कराची उठो जुल्फी, देर हो जाएगी। बाबा साहब का फोन। बाबा साहब फोन उठाओ, फोन उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? अरे फोन उठाओ ना यार, तो वो तो पहचान लेंगे मेरी आवाज बदल के बात करो। आवाज हेलो कादर बख्श, ये तुम्हारी आवाज में क्या हुआ है? जी वो सर वो कुछ नहीं, थोड़ा मैंने लस्सी पी ली थी। लस्सी पी ली थी? इडियट, सर्दियों में लस्सी पी रहे हो? क्या करूं, कुछ और नहीं मिला। सुल्फी आया था? हाँ जी वो आई थी, चली गई है वो। चले गए कहाँ गए?
नहीं ये तो नहीं बता कीजिए। ओके ठीक है, और तुम ये लस्सियाँ पीना बंद करो, काम कर लिया करो कुछ इडियट। चलो ठीक है सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तुम तो बड़े काम के बंदे निकले, तुमसे नौटंकी करवाऊंगी। चलो अब चलो जल्दी चलो। बड़े साहब लस्सी का मूड है, बनवा ला हूं। मांग ले आओ। 5 मिनट में लाया जी। इडियट। हेलो। हाँ नो नो वरीज नो वरीज नो। आयशा आपा, ये सब क्या हो रहा है? जुल्फी कहाँ है? मुझे पता नहीं है, तनवीर लाहौर गए हुए एंड आई थिंक बाबा कराची में। और जुल्फी, वो अचानक कहाँ गायब हो गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसने तुमसे कड़े क्यों ले लिए? आपा कि उसने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल तुम फिक्र मत करो। देखो तनवीर अभी बिजी है, वो जैसे ही आते मैं पूछ लूंगी। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैसे आपा। क्या हो गया है? छोटा है ना, यू नो ही सो स्पॉइल्ड, एकदम लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया है। जरूर किसी एडवेंचर में इन्वॉल्व हो गया है। मौसम इतना जबरदस्त है, तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर चलते हैं, ठीक है ना? आ जाओ कम ऑन। आपको उस लड़की के घर का पता है? जी जी बिल्कुल मालूम है, बराबर में ही तो रहती है कलमोई। अच्छा जहाँ, सच पूछो, मुझे तो हर तरफ पुलिस नजर आ रही है। अरे हम अकेली औरतें, वो वडेरा, अगर उसका लड़का ना मिला तो हमारे बोटियां बोटियां करके चीलों को खिला देंगे। हाय आबा। जुल्फी हवेली गया था और वहां से मरी का कह के गया है। मुझे नहीं लगता बड़े साहब के वो मरी गए होंगे। बख्शी जी। जी आपको उस लड़की के घर का पता है? जी जी बिल्कुल मालूम है, बराबर में ही तो रहती है कलमोई। फौरन जाकर मालूम करें, मुझे लगता है कि उसी लड़की का कोई चक्कर है, बहुत चालाक और मुंहफट लड़की है, उसी ने कुछ किया है। जी जी मालूम करूंगा, जरूर मालूम करूंगा। उसने कहां जाना है कलमोई ने? बर्तन मांझ रही होगी अपनी खाला के। ब्लडी गोल्ड डिगर मासी, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए बख्शी जी। बिल्कुल ठीक कहा मालिक आपने, बिल्कुल ठीक कहा। हाँ कमजोर का तो पता नहीं, मुंह जोर बहुत है, अभी मालूम करके आता हूं। अरे आपा वो तो ये समझ रही है कि जुगनू अपनी ससुराल में है। तो मैं भी तो यही समझ रही थी, इतने पैसे कहां से आए उसके पास? है आपा क्या बात है, किसका जिक्र हो रहा है? अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है आपा, जुगनू का जिक्र हो रहा है। अरे अभी तक नहीं पहुंची वो अपनी ससुराल। है ससुराल नहीं पहुंची? आपको कैसे पता? अरे मुंशी जी आए थे उसका पता पूछते हुए, मैंने कहा वो तो अपनी ससुराल गई है, कहने लगे वहाँ कोई नहीं है, सब मरी चले गए। लो तो बात साफ हो गई ना, इसका मतलब ये है कि वो वही है। ए आपा वो बता रहे थे कि वो लोग जुल्फी को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए मरी से, जुल्फी भी गायब है। या अल्लाह क्या चक्कर है? अच्छा जहाँ सच पूछो, मुझे तो हर तरफ पुलिस नजर आ रही है। अरे हम अकेली औरतें, वो वडेरा, अगर उसका लड़का ना मिला तो हमारे बोटियां बोटियां करके चीलों को खिला देंगे। हाय आबा मैं तो चली, यहाँ रुकना आप खतरे से खाली नहीं, मैं तो जा रही। अब बात सुनो, अगर कोई खैर खबर आए ना तो मुझे फोन ना करना, क्या पता तुम दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाए। भाई देखो
मैं तो ठहरी जवान जहान, तुम लोगों की खैर है, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे चल कमबख्त, देखा अपा दो दिन में पिट पिटा के फिर आ जाएगी, और हम जब मुसीबत में होते हैं तो इसे परवाह ही नहीं चलती। बनी अपा अब क्या होगा? अरे मैं क्या जानू क्या होगा, समझाती थी माँ बेटियों को मगर कभी सुना तुमने? अल्लाह जाने अब क्या होगा, ये तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। इडियट दफन, इसको दफन करो, यू इडियट। ओह नहीं नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बिट ऑफ एन इमरजेंसी। हाँ ओके बाय। दफर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा इसके साथ लड़की थी, कितने पैसे लिए? ओके ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो वहीं होंगे, वो तो वहां से निकल गए मालिक। वो झूठ था, कादिर बख्श नहीं था वो फोन पे, जुल्फी था, आवाज बदल के बोल रहा था शाम होने वाली है। मैं जुल्फी को जानता हूँ, वो कभी रात में सफर नहीं करेगा, मैं उन्हें सोते में पकड़ूंगा। मुनासिब रहेगा बड़े मालिक। शाह साहब गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाना, सोते में पकड़ना है साहब को। सोते हुए पकड़ना है साहब को, सोते हुए। चढ़े तू? हाँ मैं। साहब साहब, अरे कहाँ भाग रहा है? मुझे तक कमजोर समझता था है? रुक जा अभी बताता हूँ फोन। अरे तू क्या फोन करेगा? चोर चोर, तुझे तो मैं ठीक करती। चोर चोर, ये फोन साहब, मेरा फोन, अरे मेरा फोन, अरे मेरा फोन, अरे तोड़ दिया 15,000 का मोबाइल तोड़ दिया। ये 15,000 कैसे कमाए हैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हराम खोर बोला बख्शी जी को, कम बखत छुड़े छोड़ूंगा नहीं तुझे। बख्शी जी छोटे साहब आप कहाँ थे? बड़े साहब आप ही को तो ढूंढते फिर रहे। मैं यही था बख्शी जी। और हम दोनों यही रहेंगे बख्शी जी, सुन लिया? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं हो सकता, छोटे साहब बड़े साहब का सख्ती से हुक्म है कि ये यहाँ नहीं रह सकती। तुम बताओ कि तुम्हें पता चलेगा तो जो तुमने जिक्र किया? मजबूरी है, बताना होगा। छड़की बुढ़े जुल्फी से क्यों मुझसे बात करो, पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नमक का जरूर बताऊंगा। अरे कितने नमक हराम हो तो मैं उन्हें बताऊंगी, कैसे उनकी जाती जमीनों को किराए पे चलाते हो है? और उनकी खानदानी गाड़ी तुमने उस घटिया इंसान को बेच दी। बख्शी जी मेरी और जुल्फी की शादी में कौन बना था गवाह, जरा बताइए। मैं और जुल्फी यही रहेंगे, आई समझ? 15,000 का फोन, कम बात है मुंह, खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, कीड़े पड़े तुझे, तेरी वजह से आज ये हालत हुई है बख्शी जी की।